दुनिया के बड़े बड़े एथलीटों को धूल चटाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह शनिवार शाम 5:20 पर पंचतत्व में विलीन हो गए। जाते जाते भी वह पत्नी निर्मल की एक तस्वीर को सीने से लगाए रहे। उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। सभी परिवारजनों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सेक्टर 25 के शमशान घाट में मौजूद रहे। शाम 4:15 पर सेक्टर 8 स्थित मिल्खा सिंह के घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली। एक खुली गाड़ी में मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उनके साथ परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। गाड़ी को सेक्टर 8 मटका चौक पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 गेट नंबर 3 से होते हुए सेक्टर 25 शमशान घाट ले जाया गया। इस रूट पर ट्रैफिक को रोका गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों गाड़ियों के साथ कई लोग ऐसे थे जो पैदल चल रहे थे। रास्ते में भी कई लोग रुके और मिल्खा सिंह को नमन किया। करीब 45 मिनट में ये यात्रा सेक्टर 25 जाकर खत्म हुई। शमशान घाट में किरेन रिजिजू के साथ पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। किरेन रिजिजू ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा जो कामयाबी हासिल की जाएगी उसे मिल्खा सिंह के नाम किया जाएगा, उन्हें ये सम्मान देने के लिए किया जाएगा। हमारे लिए ये एक बहुत दुखद घड़ी है। जब भारत में एथलेटिक्स के बारे में कोई नहीं जानते थे, भारत में खेल के बारे में बहुत कुछ जागरूकता नहीं था, तो मिल्खा सिंह वो इंसान था जिन्होंने हिंदुस्तान के झंडा को दुनिया भर में लहराया। ये हमारे लिए एक मिसाल है। इसलिए अभी ओलंपिक्स आने वाले हैं, टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी हमारा जो खिलाड़ी का प्रदर्शन करेगा, जो भी हमको कामयाबी हासिल होगा, हम मिल्खा सिंह जी के नाम में निशावर करना चाहते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। उसको हम एक तरह से अच्छा ओलंपिक में प्रदर्शन जो है ये हमारा रेस्पेक्ट होगा मिल्खा सिंह जी। सारे प्लेयर्स की तरफ से भी मैसेजेस आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी का लेटर उनका मैसेज लेकर आया है। मैंने अपने ओर से जो संदेश था उसको भी उनके बेटे परिवार को दिए हैं, और आगे जा कर के हमारे देश में और मिल्खा सिंह जैसे पैदा हो इसके लिए और पूरा व्यवस्था करेंगे। मैं जब मिल्खा सिंह से चर्चा किए थे तो उन्होंने मुझे एक अंतिम मिल्खा सिंह जी का अंतिम इच्छा मुझे उन्होंने बताया था जो पूरा नहीं हो पाया। उनके जीते जी, उनका कहना था उनके जीते जी ओलंपिक में एक एथलेटिक में मेडल देखना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दे के गया है। तो मैं हमारे साथ में गवर्नर साहब, मंत्री, हम लोग सब की ओर से परिवारजनों को हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से लेकर हम सब परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख घड़ी में, और परिवार अकेलापन महसूस ना करे, देश पूरा साथ में। कोई फ्यूचर में अवार्ड नहीं उनको, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मिल्खा सिंह जी अपने आप में अवार्ड से ऊपर है। उनको जो खेल मंत्रालय से जो भी करना है वो मैं परिवार से चर्चा बाद में करूंगा, अभी उसका विषय बनने का समय नहीं है। लेकिन हम उसका अप्रोप्रिएट ऑनर जो भी करना है हम करेंगे। और वैसे भी वो अपने आप में द ग्रेट फ्लाइंग सिख, द ग्रेट मिल्खा सिंह, ये नाम जो है हमारे लिए बहुत है। इसलिए हम खुद यहाँ चंडीगढ़ में आए हैं, परिवारजनों से मिले, आप सब मीडिया वालों से मिले, फिर से मैं उनका दिवंगत आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और परिवार को अपना संवेदना हम उसको साझा करके उनके साथ खड़े हैं ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। गौरतलब है कि 4 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था।